हर कोई इस दिवाली पर, धनतेरस पर, हर कोई यही सोचता है और यही कोशिश उनकी होती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो, जिससे कुबेर भगवान के भंडार जो हैं वो घर की तरफ को खुल जाएं और लोगों के जो धन धाने से भंडार भर जाएं। लेकिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज तक ये जो 5-6 दिन हम देख रहे हैं, ये 5 दिन जो देख रहे हैं आचार्य जी, इसमें शुरू करते हैं धनतेरस से। धनतेरस का हमें बताइए कि वो धनतेरस पे क्या करें कि धन की वर्षा हो और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। देखो, धनतेरस का मतलब, अब यहाँ फिर वही बात आ गई, धन त्रयोदशी जो होती है वो सायंकाल प्रदोष काल मनाई जाती है। सायंकाल के समय धन्वंतरी जयंती भी उस दिन मनाया जाता है कि धन्वंतरी जी का अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम धन त्रयोदशी पड़ा। और धन त्रयोदशी में सोना खरीदने का विशेष महत्व है, उस दिन सोना खरीदा जाता है। देखो, अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग चीज़ें हैं कि मान लो आपकी मेष राशि है तो आप क्या खरीदें। मेष राशि वाले लोगों को चाहिए धन त्रयोदशी से कि कॉपर यानी तांबे की चीज़ यदि खरीदते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी धन त्रयोदशी को। अच्छा, आप किसी की वृषभ राशि है, आप कहेंगे कि तो वृषभ राशि वाला क्या खरीदे, तो वो भी तांबे का नहीं। वृषभ राशि वाले को उस दिन चाहिए सिल्वर की चीज़। यदि चांदी की कोई वस्तु घर में लेकर के आता है या चांदी की मूर्तियाँ लेकर के आता है या चांदी के बर्तन लेकर आता है तो उसके घर में धन की बड़ी वृद्धि होगी। फिर मिथुन राशि आ जाती है, अब इस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा त्रिपाठी जी, कि भाई मिथुन राशि वाले अब क्या लेकर के आए। मिथुन राशि वालों के शास्त्र में ये कहा गया कि मिथुन राशि वाले लोग जो हैं पीतल से संबंधित वस्तु यदि खरीद कर लाते हैं, नहीं सोना खरीद पाते तो भी उनको धन का विशेष लाभ होगा। और चंद्र कर्क राशि वाले लोग अपने घर में उस दिन कपड़ा खरीद सकते हैं, गहना खरीद सकते हैं, डायमंड खरीद सकते हैं, वो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो कोई नहीं, चर्चा को लंबा होने दीजिए, आप बताइए ताकि हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिले। सिंह राशि वालों के लिए त्रिपाठी जी, अब सिंह राशि देखते हैं, सूर्य की राशि है, सूर्य की एक ही राशि है, वो भी सिंह राशि है। सूर्य का प्रतिबिंब जब आप निकलते हैं, सूर्य निकलने से पहले प्रतिबिंब आता है, सूर्य उसके बाद निकलता है, तो उसकी छाया कैसी होती है, लाल लाल होती है, रेड कलर के। तो सिंह राशि वालों को चाहिए कि माणिक खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, ठीक है ना, जस्ता एक धातु होती थी वो खरीद सकते हैं, उनको उससे विशेष लाभ होगा। आप देखेंगे उनके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। कन्या राशि वाले के लोगों को चाहिए कि वो क्या करें, अब भाई कन्या राशि के लोग क्या खरीदें। कन्या राशि के लोग सोने से और रत्नों से बनी हुई चीज उनको खरीदनी चाहिए। यदि वो ऐसा खरीदते हैं तो आप देखेंगे उनके घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, उनके घर से कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, उनके घर में संतान को विद्या बुद्धि अच्छी प्राप्त होगी। और कन्या राशि वालों को चाहिए उस दिन अपने बच्चों के लिए कलम जरूर खरीदें, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनके घर में हों, और उस दिन ला करके पूजा करें, देखेंगे बच्चों को कितनी विद्या बुद्धि उससे प्राप्त होती है। अब इससे अगली राशि आएगी तुला राशि, जो सातवीं राशि है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र के लिए लग्जरी वस्तु, जितने भी आप लग्जरी वस्तु घर के लाना चाहते हैं, धन त्रयोदशी में लग्जरी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में खूब लग्जरी वस्तुएं मिलती जाएंगी। भौतिक सुख जिसको कहते हैं, भौतिक सुख समझते होंगे, हर आदमी जानता है भौतिक सुख, खान पान भौतिक सुख, वो खरीदें। और कुछ न कुछ सोने की बड़ी वस्तु जरूर उनको खरीदना चाहिए उस दिन धन त्रयोदशी को सायंकाल के समय, तो आप देखेंगे उनके घर में बहुत सुख शांति होगी। और खास करके 5 दिन एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है त्रिपाठी, शास्त्रों में ये कहा गया था, एक रिवाज भी था कि 5 दिन तक ना, तो पहले ये कहा जाता था विवियम द्वितीय लग जाती थी, और अवध प्रांत में तो खास करके अयोध्या में तो ऐसा रिवाज भी है कि 5 दिन तक कोई कर्ज लेता नहीं और 5 दिन तक देता नहीं, ऐसा शास्त्र, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई 5 दिन तक यदि लिया है तो मांगने मत आना और किसी को देना भी नहीं। अच्छा, आपने अगर किसी को दिए हुए तो वापस भी नहीं लेने आपको? देखो, दिया है आप, वो वापस दे रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन आप किसी आप को मांगने ना जाइए, मांगने मत जाइए, उसका भी सम्मान होगा और आपके घर में भी भाई लक्ष्मी रहेंगी जी। तो उसी प्रकार से ये 5 दिन का महान पर्व है और ऐसा पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। देखिए, दीपमाला, ये जो पटाखा आदि ये चलाया जाता है, क्यों, ये खुशी से हुआ था कि भगवान राम जी घर आए हैं, सीता अनुज लखन सहित कितनी कितनी विपत्तियाँ आई, कितनी कितनी परिस्थितियाँ हैं, हम साल भर 6 महीने किन किन परिस्थितियों में जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, एक दिन ऐसा पर्व आता है, कोई एक प्रांत का पर्व नहीं है त्रिपाठी जी, ये पूरे देश का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। इसीलिए
धन त्रयोदशी को वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि जल की वस्तु कोई, जैसे तांबे का या तो मग खरीद लें, पानी भर के रख सकते हैं, रख सकते हैं, वो खरीद लें, अथवा तांबे का गिलास खरीद लें, ये उनके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। अब धनु राशि वाले के लिए कहेंगे कि धनु राशि वाले क्या ले, उस दिन उनको चाहिए सोना खरीदें, अथवा घर में रोज यूज करने वाली, चाहे वो थाली है, प्रात है, गिलास है, सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल का लेकर के आए, तो उनको देखेंगे साल भर तक, और उसमें रख करके यदि पानी पियेंगे तो एक तो रोगों का नाश होगा और उनके घर में समृद्धि का भी वास होगा जी। अब आपका बात अगली राशि करेंगे मकर राशि की। अब मकर राशि वाले लोग क्या करें, क्योंकि चूंकि मकर कुंभ मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी वर्ष भी कह सकते हैं जी, क्योंकि शनि संचार कर रहा है, शनि का मतलब होता है धीरे धीरे, शनि 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 है ना जी, जी। ये वर्ड है शनि, चाल भी बड़ी धीमी है, धीमी है, इसलिए संस्कृत में शनि माने धीरे धीरे, इसलिए शनि की प्रभाव। तो अब तुला राशि चूंकि मकर राशि का स्वामी भी शनि है ना, और उस पर शनि का प्रभाव भी है, तो शनि राशि वालों को क्या करना चाहिए, उस दिन उनको कोशिश ये करनी चाहिए अपने घरों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर डिजाइनिंग के पर्दे लाना चाहिए, पर्दे खरीदना चाहिए, सोने की वस्तु खरीदनी चाहिए, सोने और चांदी मिली दोनों खरीदना चाहिए उस दिन उनको, तो उनके घर में विशेष लाभ होगा मकर राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों को चाहिए, कुंभ का अर्थ होता है आप जानते हैं सात्विक अर्थ में घड़ा जी, तो उनको सोने का घड़ा लाए, चांदी का लाए, तांबे का तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, तांबे का नहीं लाना कुंभ, हाँ कुंभ वालों को ठीक है, तांबे का घड़ा नहीं लेना, आपको ध्यान रखना है, हाँ तांबे का घड़ा नहीं लेना है, यदि वो और कोई घड़ा मिट्टी के तो नहीं, आजकल तो स्थिति आप देखते हैं बाजारों में बहुत अच्छे अच्छे सब चीज आ गई है, उनको लेना चाहिए। और अपने घर में यदि वो पत्नी समेत जाएंगे कुंभ राशि वाले, पत्नी का खूब आदर करें, उनको जितना सम्मान देंगे उतने उनके घर में समृद्धि रहने वाली है। तो 12 की 12 राशियों के लिए हो गया, ये 12 राशियों के लिए का तो सम्मान तो सभी को करना चाहिए, देखो इसलिए हमारे वेद में कहा गया नारी आस्ते पूजते तत्र मन्ते देवता, जहाँ जहाँ नारियों का सम्मान होता वहाँ देवताओं का वास होता है। अब राशि आती है शुक्र होती है, शुक्र की है, और शुक्र और शनि दोनों मित्रता हो जाएगी ना तो घर में कितना आनंद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, विलासिता का एकदम आप समझिए कि भंडार हो जाएगा, वैभव वैभव रहेगा आपका जीवन जो है साल भर बहुत आनंद से व्यतीत होगा। तो ये सोने चांदी के अलावा और भी कोई धातु का घड़ा ले सकते हैं कुंभ वाले, ले सकते हैं धातु का घड़ा ले सकते हैं, जैसे स्टील के आजकल स्टील बहुत चलता नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं, जो कि सोने या चांदी का तो बहुत ज्यादा नौकरी पेशा लोगों के लिए, देखिए वो लोहा ही है, जी 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 वो लोहा ही है, स्टील तो लोहा ही है, अच्छा भाई उस पर निकल कर दिया गया तो लोहे से ही तो स्टील बना है जी। वो लोहे एक तरीके से। अब मीन राशि वालों को चाहिए उस दिन सोना तो खरीदे ही, लेकिन यदि कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर आते हैं, किताबें खरीदते हैं, उस दिन तो उनको बहुत लाभ होने वाला है पूरे वर्ष तक। यदि वो लेकर के आते हैं और अपने घर में गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, अपने घर में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में यदि क्लेश चल रहा है वो शांति आ जाएगी त्रिपाठी जी, वो कहेंगे कि यार इस वर्ष मेरे यहाँ घर में ये चीज़ें ले आएंगी, ये क्योंकि ये शास्त्र वर्णित है, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखी चीज़ें हैं, यदि इनके अनुसार वो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत चकाचक हो जाएगा, उनके घर में सब आनंद होगा।